अगला पीएच चेंज का इम्पैक्ट जो होता है वो प्लांट्स के लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है। प्लांट्स किस मीडियम में ग्रो करते हैं, तो सॉइल में ग्रो करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सॉइल का क्या पीएच होना चाहिए प्लांट को सही तरीके से ग्रो करने के लिए। प्रॉपर ग्रोथ कब होगा प्लांट का, जब सॉइल का पीएच 7 होगा। इसका मतलब सॉइल शुड बी न्यूट्रल, तभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकेगा। यदि पीएच चेंज होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो जाए सॉइल, दोनों ही केस में प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो रिटार्डेड हो जाता है, कम हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है प्लांट। और ये सिचुएशन क्यों होता है, क्योंकि देखो अलग अलग रीजंस हैं। अगर एसिडिक सॉइल हो जा रहा है तो उसका क्या रीजन है, बेसिक सॉइल हो जा रहा है तो उसका क्या रीजन है, अलग अलग रीजंस हैं। उसके पहले एक पॉइंट मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या पीएच चेंज, क्या रेंज हो सकता है पीएच का यदि अगर सॉइल का पीएच बदलता है। तो मिनिमम 4 जा सकता है पीएच वैल्यू 4, और मैक्सिमम 8.3 जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाता है, पीएच उसका नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है, व्हाट इज द रीजन, काज क्या है। तो सबसे बड़ा काज है, सबसे बड़ा, एसिड रेन। आजकल इसमें जो इतना ज्यादा पोल्यूशन चल रहा है, SO2 SO3 जैसे गैसेस निकल रहे हैं बाहर, या फिर अगर हम CO2 की बात करें तो ये गैसेस एनवायरमेंट में वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड बनाती हैं, जैसे H2SO4। मैंने बताया था किस तरीके से रिएक्शन होता है SO3 का H2O के साथ H2SO4 बनता है, वही चीज यहां है। जब वो एसिड वाटर के साथ गिरता है तो जहां गिरता है उस सॉइल को ये एसिडिक बना देता है, और इसी वजह से जो वहां के प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, पीएच वैल्यू गिर गया, एसिडिक मीडियम हो गया वहां पे, और प्लांट को न्यूट्रल मीडियम चाहिए ग्रो करने के लिए। तो और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट केयरलेसली। आजकल हम ये देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो बिना किसी केयर के, बिना किसी एनवायरमेंट के केयर किए वो इम्प्रॉपर डिस्पोजल कर रही है अपने वेस्ट का। उसके जो इंडस्ट्रियल वाटर निकलता है ना, वेस्ट वाटर, उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई वो नहीं बनाया गया है, प्लांट नहीं बनाया गया है ताकि उसको हम प्योर कर सकें। और इस केस में वो खुलेआम कहीं भी छोड़ देते हैं, और वहां पे जिस एरिया में छोड़ते हैं उस एरिया का जो सॉइल होता है, उसका जो नेचर होता है, वो एसिडिक हो जाता है। इसी वजह से वहां प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगला रीजन आता है यूजिंग एक्सेस सॉइल। आजकल हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पर इंक्लाइन हो रहे हैं, निर्भर होते जा रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। ये इन फ्यूचर काफी डेंजरस डिजीज जैसे कैंसर वगैरह को भी लीड करता है, और उसके साथ साथ सॉइल के जो प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमस कंटेंट होता है, उसको भी घटा देता है। समझ रहे हो आप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का एक्सेस यूज होने की वजह से हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक होता जाता रहा है, और इस वजह से ना तो हमें इन फ्यूचर प्रॉपर आउटकम मिलेगा हमारे क्रॉप का, और न ही प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब आता है कि इनको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, किस तरीके से इनका निवारण हो सकता है जब हमारा सॉइल एसिडिक हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे आप देखे होंगे, मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा, ये डायग्राम शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये आदमी किस तरीके से एड कर रहा है स्लेकेड लाइन अपने फील्ड में, अपने खेत में स्लेकेड लाइन डाल रहा है। स्लेकेड लाइन क्या है, CaOH twice, हमने पढ़ा है हाइड्रोक्साइड आयन जहां प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो हम ये बेस यूज कर रहे हैं, माइल्ड बेस, और CaO कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेस यूज करते हैं हम अपने खेतों में डालते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेस एसिडिक होता है वो हमारा सॉइल, जो एसिड कंटेंट हमारे सॉइल में होता है वो नलीफाई हो जाता है, और हमारा सॉइल वापस से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, क्विक लाइन, स्लेटेड लाइन और कैल्शियम कार्बोनेट, ये कुछ कॉमन केमिकल्स हैं। कैसे इनका छिड़काव करते हैं उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊं कि कई बार अगर बहुत बड़ा फील्ड है, लार्ज फील्ड एरिया है, तो उसके लिए हम एरोप्लेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एरोप्लेन किस तरीके से, किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये तो अगर हम इनका यूज करते हैं तो हमारे सॉइल का जो कंटेंट होता है, एसिड कंटेंट, वो नलीफाई हो जाता है, और हमारा सॉइल वापस से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगला केस आता है कि जब हमारा सॉइल एल्कलाइन हो जाए, या फिर ऐसे बोले कि बेसिक हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं। तो जब बेसिक
हो जाता है हमारा सॉइल, तो उसके लिए सिंपल हम यूज करते हैं कुछ केमिकल्स, केमिकल तो करते ही नहीं यूज, अपना नेचुरल कंपोस्ट मैन्यूर ऐड कर देते हैं बस, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दो उस सॉइल में और उसका जो बेसिक नेचर है वो फिर से नलीफाई होके न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये रहा सॉइल के ऊपर इम्पैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है।